गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर ग्रामर न्यू पॉइंट. यस्टरडे आई टॉट यू सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड टुडे वी विल स्टार्ट. इट इज चेंज फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सिंपल पास्ट टेंस. लेट मी शो, दिस इज पेज नंबर 10 एंड दिस इज अवर थर्ड पॉइंट. इट इज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में व्हाट यू हैव टू डू कि जैसे कि लर्न है, सो वी हैव टू चेंज इन ईडी, LEARNED. सो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, गो टू स्कूल, सो वेंट टू स्कूल. फाइन. टीच टॉट. आई विल गिव यू सम वर्ड्स टू चेंज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट. फाइन. There are some more words. Walk, walked. Play, played. Live, lived. Dance, dance. और कोई कोई वर्ड होता है जो सेम का सेम ही रहता है. Stop, stopped. Skip, skipped. Like this. And simple present tense to simple past tense. Look at here everybody. It is sit. सिंपल प्रेजेंट में होगा सिट्स और पास्ट में होगा सेट, SAT, सेट. देखो, स्टैंड सिंपल प्रेजेंट में होगा स्टैंड्स और पास्ट टेंस में होगा स्टूड, STOOD. दिस इज सम ऑड वर्ड विच कन्वर्ट इन सिंपल पास्ट टेंस. दिस इज रन्स, सेम. दिस इज रन्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड रैन इन सिंपल पास्ट टेंस. Look at here, eat, ate, spelling different, drink, drank, okay. So, now we will move on our exercise, page number 11, look at here everybody, good. So, first, the children's dash, their blank. We have one word that is clap, We also have one example. Look at here. We dash a picture. Word is draw. What we have to write? It is drew. Because we have to convert this sentence in past tense. So, draw, drew. Right? So, our first number question is, the children dash the hands. Clap. So, kya hoga? CLAPED. Double PED. Fine? So our answer is CLAPPED. The boys dash kites. Fly. So fly ka ye kya hoga? Past tense. Flew. FLEW. So we have to write flew. The boys flew kites. Grandmother dash in the garden. Walk. Walk ka to walk hi hoga. WALKED. Simple. Fourth one, Monis dash the ball. Our word is drop. इसका dropped ही होगा, but DROP और एक P लग जाएगा. जैसे कि clap में P लगा था, like same DROPPED, dropped. Geeta dash to catch the bus, run. जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे run का ran होगा, यहाँ पे हमने देखा है. Look at here. Yes, run ka ran. Same like ran. You have to write down ran here. Wo past tense ho jayega. Tina dash me her pen. Give. Give ka kya hoga? Give. Ye pura word aapko na yaad rakhna padega conversation ke liye. Theek hai? Main aapko pura list bhej dungi aaj. Fine? So don't worry. Mala dash a pen. Write. राइट का क्या होगा? रॉट, WROTE. माला रॉट अ पोएम, मीन्स माला पोएम लिख रही थी. फाइन. अगर हमको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या आएगा? टेल मी, माला राइट्स अ पोएम. एंड इन पास्ट टेंस, माला रॉट अ पोएम. फाइन. एट नंबर, लास्ट संडे वी डैश टू द जू. अवर वर्ड इज गो. सो गो का क्या होगा? वेंट.
सो वेंट लास्ट संडे वी वेंट फाइन. नंबर 9 द टीचर डैश अस अ न्यू लेसन टीच. सो टीच का क्या होगा टॉट टी ए यू जी एच टी. द टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन. 10 नंबर वी डैश अवर क्लासरूम. अवर वर्ड इज क्लीन. तो क्लीन का तो सिंपल ई डी लग जाएगा सी एल ई एन ई डी फाइन. 11 नंबर यू डैश एन एप्पल. ईट ईट का क्या होगा एट. ये सारे ऑड वर्ड है फाइन. तो यू एट एन एप्पल. दे डैश द विंडो. अवर वर्ड इज क्लोज. सो व्हाट वी हैव टू डू क्लोज्ड सी एल ओ एस ई डी. दे क्लोज द विंडोज. 13 नंबर आई डैश एन एलिफेंट इन द जू सी. तो सी का क्या होगा सॉ एस ए डब्ल्यू. तो वो ऑटोमेटिक पास्ट टेंस बन जाएगा. आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू. 14 नंबर रामू डैश द प्लांट्स. अवर वर्ड इज वाटर. रामू वाटर्ड द प्लांट. सिंपल ईडी लगेगा. 15 नंबर जया एंड अमित डैश हार्ड फॉर द टेस्ट. अवर वर्ड इज वर्क. सो वर्क का सिंपल होगा डब्ल्यू ओ आर के ई डी फाइन. तो ये था अपना पूरा एक्सरसाइज. आई ऑल्सो विल सेंड यू वन इमेज फॉर दिस पेज एंड वीडियो ऑल्सो. सो फाइन समझ में आया सबको. इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ आस्क मी एनी टाइम ऑन माई ग्रुप ऑन माई पर्सनल ग्रुप. अदरवाइज वेन वी मीट एट जूम मीटिंग फाइन. बाय.